हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन क्या है वो हम देखते हैं। द डिनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज अ सॉइल इरोजन। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो फर्स्ट जो लेयर होती है टॉप सॉइल, जो टॉप सॉइल जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जो वो इरोड हो जाती है जैसे कि विंड के थ्रू, और नेचुरल फैक्टर्स भी इस पर होते हैं जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, या ह्यूमन फैक्टर की वजह से भी होती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, जैसे सॉइल भी बनती है, ऐसा नहीं कि सॉइल फॉर्मेट नहीं होती, सॉइल फॉर्मेशन होती रहती है सॉइल की भी, और जो सॉइल इरोजन है ये दोनों साथ में चलते रहते हैं जिसकी वजह से ये बैलेंस्ड रहता है। लेकिन कई बार ये जो बैलेंस है ये इम्बैलेंस हो जाता है ये जो प्रोसेस, वो इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक द डेफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इनके वजह से जो ये बैलेंस है ये कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। एंड जो नेचुरल फोर्स होती है जैसे कि विंड, वाटर, इनके वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। अब जो रनिंग वाटर होता है, कुछ इरोजन के नेम जानते हैं, जैसे टाइप ऑफ इरोजन की बात करें, कुछ रनिंग वाटर होती है जो कट कर देती है, कट थ्रू द क्ले सॉइल, जैसे कि ये सॉइल है, यहाँ से देखो इस तरीके से चैनल सा बन गया एक, ठीक है, इस तरीके से धाराएं से बन गई है ना, तो ये जो होती है ये हम क्या बोलते हैं इसको, गलीज, ठीक है, इस तरीके से डीप चैनल्स बना लेती है इसको हम गलीज बोलते हैं। और द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज बैड लैंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गली इरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमें दिख रही है गली, ठीक है, इस तरीके से ये पानी, ये हमारा क्या है, लैंड है, यहाँ पे बहुत सारा पानी इस तरीके से गली सी बन जाती है क्ले सॉइल के अंदर, तो वो हमारी क्या होती है, गली इरोजन होता है। Sometimes a water flows a sheet of a large area down a slope. In such cases, the top gully erosion soil is washed away. This is known as sheet erosion. एक मतलब जो टॉप जो सॉइल होती है, जब वाटर फ्लो करता है लार्ज एरिया में, तो वहाँ से एक शीट जो होती है लार्ज एरिया की, वो क्या होती है, पानी के साथ ही बह के चली जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, शीट इरोजन होती है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ एंड फ्लोट स्लॉपिंग द लैंड नॉन एज विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है, जब हवा चलती है तो हवा के साथ जो मिट्टी उड़ के जाती है तो वो हमारी क्या होती है, विंड इरोजन होती है। सॉइल इरोजन ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड। अब जो सॉइल इरोजन वो कुछ डिफेक्टिव मेथड की वजह से भी होता है, जैसे कि प्लोइंग हो गया, प्लोइंग को अगर हम गलत वे से करते, जैसे कि अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अब हम बात करते हैं कुछ स्टेप्स की जिनके वजह से ये सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो हमारा एक फैक्टर आता है हमारा काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग क्या होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है इस तरीके से, क्या है ये जो हमारा कोई स्लोप है वहाँ से अपने राउंड राउंड में क्या करती है, ट्रेंचेस से बना दिए हैं, ठीक है, खड्डे खड्डे से बना दिए हैं। अब ये जो है कि अगर पानी अगर ऊपर से आ जाए तो वो इन खड्डों में क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है काउंटर प्लोइंग। अब एक होता है हमारा टेरेस कल्टिवेशन। टेरेस कल्टिवेशन जैसे कि आप देखोगे ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से स्टेयर्स ही बना रखी है, ठीक है, इस तरीके से है ये जो प्लेन एरिया बनता है, जो ये हमारा एक स्लोप सा हो गया टेरेस, जैसे कि ये हमारा एक स्लोप है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ प्लेन प्लेन एरिया होगा, वहाँ पे क्या कर कल्टीवेशन कर रखा है जिसकी वजह से सॉइल सॉइल कंजर्व हो सके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस कल्टीवेशन बोलते हैं। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, जो कि अभी मैंने दिखाया टेरेस फार्मिंग वही होती है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड। अब क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, कैसे करके जो ये हमारी लाइन से दिख रही है, ये सारी हमें ग्रास की लाइन एक स्ट्रिप से बना दी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो फोर्स होगी विंड की वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, ब्रेक हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं, इनके बीच में क्रॉप हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बीच में हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, इसका हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग, अब हमारा आता है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है इधर, ये बहुत सारे ट्रीज लगे इस तरीके से पूरे फील्ड में चारों तरफ ट्रीज लगा देते हैं, जिसकी वजह से अगर विंड आती है तो वो इतनी फोर्सफुली नहीं आती, इसकी फोर्स कम हो जाती है, और साथ में क्या होता है, ब्रेक कर देती है विंड को, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। तो ये होता हमारा शेल्टर बेल्ट, जैसे कि ये हमारा फील्ड है, इसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, पेड़ उगा दिए, तो ये हमारे क्या होते हैं, शेल्टर बेल्ट्स होते हैं। दीज शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डंस एंड द स्टेबलाइजेशन डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया। तो ये थे हमारे कुछ मेथड जिसकी वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, और हमने सॉइल इरोजन भी देख लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।